हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज्ज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी 5th एडिशन। और अपनी यूनिट है जी आप करांगे 111 नंबर यूनिट दे विच देखो अपने की करना है। अपने कोल चार शब्द ने इंग्लिश दे, है ना, स्टिल, एनीमोर, येट, ऑलरेडी। ये जिहड़े शब्द ने इन्हां दा यूज़ आप एक सेंटेंस दे विच कित्थे करना है अते कदों करना है, मतलब किस सेंस दे लई करना है, वह आप इस यूनिट दे विच पता करांगे। देखो इन्हां विचों कुछ क जिहड़े शब्द ने आपां नूं पहलां तो ही पता है ना, भी जिस तरह स्टिल दा यूज़ आपां कदों करदे आ, येट दा कदों करदे आ, ऑलरेडी दा आपां आम ही यूज़ करदे आ। पंजाबी बोलदे बोलदे भी विच आपां कई बार ऑलरेडी शब्द जिहड़ा यूज़ करदे आ, है ना, भी मैं इह कम ऑलरेडी कर लिया, भी पहलां तो मैं इह कम कर लिया, है ना। बट आपां अज्ज प्रॉपर तुहानूं दस्सांगे भी किस तरह आपां ने यूज़ करना है एक सेंटेंस दे विच। देखो सब तो पहलां आपां गल करदे आ ए पार्ट दे विच आपां की करना है, देखो वी यूज़ स्टिल। सब तो पहले आपां स्टिल दी गल करांगे, वी यूज़ स्टिल, असी स्टिल दा यूज़ करदे आं कदों करदे आं, टू से दैट, ये गल कहण दे लई, अ सिचुएशन और एक्शन, भी कोई भी सिचुएशन, स्थिति कोई भी, जां फिर कोई एक्शन, कोई किरिया जिहड़ी इज़ कॉन्टीन्यूइंग, भी वह कॉन्टीन्यू हो रही है। क्योंकि स्टिल का मतलब की हुंदा पंजाबी दे विच, हले भी। स्टिल का मतलब हुंदा हले भी। आपां कई बार कहने हुंदे आ कि मैं यार हले भी ये कम कर रहा, आई एम स्टिल डूइंग दिस वर्क, तां उत्थे देखो स्टिल का मतलब हुंदा हले भी कोई कम है जिहड़ा कॉन्टीन्यू हो रहा है, हले भी हो रहा है, खत्म नहीं होया। इट हैज़ नॉट चेंज्ड और स्टॉप्ड, देखो इट हैज़ नॉट चेंज्ड भी ना तो चेंज होया, एंड स्टॉप्ड भी ना स्टॉप होया, भी हले कॉन्टीन्यू चल रहा है, उदों आपां स्टिल का यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल दे नाल बहुत वधिया समझ आऊगा। जिस तरह देखो फस्ट एग्जाम्पल है, When I went to bed का मतलब कि जो मैं सौन गया, भी मतलब बैड पर नींद कर गया, क्रिस वॉज स्टिल वर्किंग, जोड़ा क्रिस है वह हले भी कम कर रहा है, स्टिल वर्किंग मतलब उसने अपना कम है जोड़ा स्टॉप नहीं किया, ठीक है, ना चेंज हुई कोई सिचुएशन, भी ना उसने कम अपना स्टॉप किया, स्टिल वर्किंग कर रहा है, भी जो मैं बैड पर सौन ले गया उदों भी जोड़ा क्रिस है वह कम से लग्या पाया स्टिल। तो देखो इतने आप स्टिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली एग्जाम्पल देखो, डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो अवे, तुम हले भी जाना चाहते हो, मतलब कि जोड़ा तुमने तुहाडा डिसीजन है वह हले भी तुहाडा कॉन्टीन्यू है, भी तुमने वो डिसीजन है जोड़ा चेंज नहीं किया, भी तुम डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो अवे, भी तुम हले भी बाहर जाना चाहते हो, तो स्टिल का यूज़ तुम्हें पता लग गया आप कितने करना है, बिल्कुल सिंपल जी गल है, ठीक है। और एक गल होर याद रखनी है, जोड़ा स्टिल है उसका यूज़ आप करना कितने है, उसका यूज़ आपने सेंटेंस के मिड के करना है, मेन वर्ब तो पहला, हैल्पिंग वर्ब तो बाद, सेम, ठीक है। अगली देखो, ये तो पता चल गया स्टिल का यूज़ किस तरह करना है, कोई चीज़ कॉन्टीन्यू चल रही है जो उत्थे, है ना। अगला देखो, स्टिल ऑलसो मीनस, स्टिल का एक मतलब होर भी हुंदा, वो केड़ा हुंदा, इन स्पाइट ऑफ दिस का मतलब हुंदा इस दे बावजूद, ठीक है, इस दे बावजूद किस तरह, मान लो मीनिंग उही निकल के आएगा, जिस तरह मान लो आप किसी नूं कहने ही हैज़ एवरीथिंग ही नीड्स, भी उसनू जिस चीज़ की जरूरत है उसके कोल वो सब चीज़ा है, बट परंतु ही इज़ स्टिल अनहैप्पी, पर फिर भी वह अनहैप्पी है। स्टिल का मतलब कुल मिला के गल उही हो गई, स्टिल का मीनिंग हो गया हले भी। आप कई बार किसी कहने ना भी यार उसके कोल परमात्मा का दिता सारा कुछ है, पर फिर भी ज हले भी वह दुखी है, तो उत्थे स्टिल ही इज़ स्टिल अनहैप्पी, हले भी अनहैप्पी है, तो उत्थे ये मतलब हो गया भी जी कॉन्टीन्यूज़ है वह कम है जो कॉन्टीन्यू है, भी सिचुएशन है जी अनहैप्पी की जी सिचुएशन है उसकी हले भी कॉन्टीन्यू है उस सिचुएशन, ठीक है। या फिर जेकर कोई एक्शन है तो वह भी हले एक्शन वो कॉन्टीन्यू है, जिस तरह काम करने का एक्शन सीगा, तो इस तरह आप यूज़ करते हैं स्टिल का, ठीक है। स्टिल यूजअली गोज़ इन मिड, ये मैं तुम्हें दसता, मेन वर्ब तो पहला, हैल्पिंग वर्ब तो बाद, ये होगी स्टिल की गल याद रखनी है, ठीक है। स्टिल का मतलब पता लग गया तो की हुंदा। अगला जो बी ते, वी यूज नॉट एनी मोर और नॉट एनी लोंगर, आप गल कर रहे हैं एनी मोर ते एनी लोंगर का एक ही मतलब हुंदा। एनी मोर ते एनी लोंगर का जो आप यूज़ करते हैं सेंटेंस के विच तो वह अक्सर नैगेटिव दे नाल आउंदा, मतलब कि देखो पहला नॉट, फिर इतने डॉट डॉट, इस तरह डॉट जिहड़े क्यों तुहानूं दित्ते ने मैं तुहानूं दसदा, पहला पूरी पढ़ो, वी यूज़ नॉट एनी मोर या फिर नॉट एनी लोंगर टू से दैट, ये गल कहण दे लई अ सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, भी कोई सिचुएशन जदों चेंज हुंदी है,
इत्थे तां सिचुएशन सेम रहिंदी आ, पर स्टिल दा यूज़ करदे आं। जदों आपां इह गल कहिण दी कोशिश करदे आं कि जिहड़ी सिचुएशन है उह चेंज होई है, तां उत्थे आपां नॉट एनी मोर या फिर नॉट एनी लोंगर दा यूज़ करदे आं। उह किस तरह मैं तुहानूं समझाउणा, उस तों पहलां इक चीज़ होर भी जाननी जरूरत है तुहाडे लई, जिहड़ा एनी मोर ते एनी लोंगर है इस दा यूज़ आपां सेंटेंस दे बिल्कुल एंड ते करना है, ठीक है। जिहड़ा नॉट है इस दा यूज़ तां आपां नूं पता ही है, नॉट दा यूज़ कित्थे हुंदा है, मेन वर्ब तों पहलां, हैल्पिंग वर्ब तों बाद। जिवें डू है, डू नॉट यूज़ करदे हां आपां, डोंट या फिर डू नॉट, इज नॉट, एम नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, है ना, उस तों बाद वर्ब दी मेन फॉर्म हुंदी है। तां नॉट दा यूज़ तां मेन वर्ब तों पहलां होएगा, उस तों बाद जिहड़ा एनी मोर है उस दा यूज़ आपां सेंटेंस दे एंड ते करना है। और एनी मोर अते एनी लोंगर दा यूज़ आपां करना कदों है, जदों आपां इह गल कहनी होवे अ सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, वी जिहड़ी सिचुएशन है उह चेंज हो चुकी है। जिस तरह देखो एग्जाम्पल दे नाल, लूसी डजंट या फिर कह लो डज नॉट, देखो नॉट तां आ गया, डज नॉट वर्क, देखो मेन वर्ब आ गई, ठीक है, मेन वर्ब तों पहला नॉट आ गया। ओके, हुण पूरा देखो, दुबारे पढ़ो, लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर या फिर एनी लोंगर, भी जिहड़ी लूसी है वह इत्थे हुण कम नहीं करदी, ठीक है। शी लैफ्ट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ वह चली गई। हुण कहण दा मतलब की होया, जिहड़ी सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, सिचुएशन चेंज हो गई, किहड़ी सिचुएशन, भी जिहड़ी लूसी है वह इत्थे हुण कम नहीं करदी, मतलब पहलां लूसी इत्थे कम करदी सी, ठीक है, हुण वह इत्थे कम नहीं करदी, लास्ट मंथ वह इत्थों चली गई, मतलब सिचुएशन चेंज हो गई, चेंज हुई ना, लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर, भी हुण इत्थे लूसी कम नहीं करदी, जां फिर लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी लोंगर, कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। अगली एग्जाम्पल भी देखो, वी यूज्ड टू बी गुड फ्रेंड्स, असी कहिंदा बहुत वधिया फ्रेंड होया करदे सीगे, यूज्ड टू दा मतलब कि कोई चीज़ होया करनी, वी यूज्ड टू बी गुड फ्रेंड्स, असी बहुत वधिया दोस्त होया करदे सी, बट वी आर नॉट एनी मोर या फिर वी आर नॉट एनी लोंगर, पर हुण असी नहीं हैगे। हुण इत्थे मेन कोई वर्ब दी फॉर्म नहीं हैगी, तां नॉट दा यूज़ तां आपां उसे तरह हैल्पिंग वर्ब तों बाद ही करांगे, तां अगे कोई मेन वर्ब जिहड़ी नहीं हैगी, जिस तरह इत्थे सी मेन वर्ब, तां उस तों बाद डायरैक्ट फिर एनी मोर या एनी लोंगर आ गया। बस सेंटेंस दे एंड ते यूज़ करना एनी मोर या एनी लोंगर नूं, गल समझ आ गई ना, भी पहलां असी बहुत वधिया दोस्त होया करदे सी ते हुण असी नहीं हैगे, मतलब कि सिचुएशन है जिहड़ी उह की हो गई, हैज़ चेंज्ड, चेंज हो गई ना, पहलां दोस्त सी हुण दोस्त नहीं हैगे। हाँ, जेकर इह गल कहनी हुंदी कि पहलां 10 साल पहलां असी बहुत वधिया दोस्त सी ते हुण भी असी बहुत वधिया दोस्त हाँ, मतलब कि फिर कॉन्टीन्यू हुंदी, फिर स्टिल आउंदा, ठीक है, वी आर स्टिल असी बहुत वधिया दोस्त हाँ, समझ आ गई ना गल, एनी मोर दा कित्थे यूज़ करना। हुण एक चीज़ होर समझो, जिहड़ा एनी मोर है, एनी मोर उसनों आपां इस तरह दो शब्दों के विच भी लिख सकते हैं, एनी अलग, मोर अलग, या फिर इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एनी मोर एक शब्द के विच ही, बट एनी लोंगर है जिहड़ा उसनों अलग अलग ही लिखना है, क्लीयर है। हुण अगला पॉइंट ये तो पता लग गया एनी मोर तो एनी लोंगर का, अगले पॉइंट के विच की दस्या इन्होंने जिहड़ा याद रखना तुसीं ने, वी कैन ऑलसो यूज़ नो लोंगर, असी नो लोंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, नो लोंगर गोज़ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, नो लोंगर आप कितने यूज़ कर सकते हैं, नो लोंगर आप यूज़ कर सकते हैं नॉट एनी मोर की जगह पर, मतलब नॉट भी विच शामिल आ गया, नॉट एनी मोर या फिर नॉट एनी लोंगर, इस दी जगह पर आप दोवां दी जगह पर नॉट एनी मोर, नॉट एनी लोंगर, इन दी जगह पर आप नो लोंगर भी कला यूज़ कर सकते हैं, गल समझ आई ना। और जो आप नो लोंगर यूज़ करांगे तो नो लोंगर का यूज़ करना है मिड दे विच सेंटेंस दे, मतलब कि मेन वर्ब तो पहला ते हैल्पिंग वर्ब तो बाद। इत्थे आपां एनी मोर ते एनी लोंगर की जगह पर नो लोंगर का यूज़ कर रहे हैं, और नो का मतलब ही देखो नैगेटिव हो गया, इसलिए आप आ नोट का भी यूज़ नहीं करांगे। जिवें फॉर एग्जाम्पल अपने को आ सेंटेंस है, लूसी डज नॉट, इत्थे नॉट आ गया अलग तो, वर्क हेयर उद्वाच एनी मोर या एनी लोंगर आ गया, ठीक है, लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर या फिर एनी लोंगर। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, लूसी नो लोंगर, आपने नॉट एनी मोर या फिर नॉट एनी लोंगर की जगह पर आपने नो लोंगर का यूज़ कर लिया, नो लोंगर, और नो लोंगर का यूज़ आपने मिड के करना है मेन वर्ब तो पहला, तो देखो मेन वर्ब तो पहला इतने नो लोंगर का आपने यूज़ किया, लूसी
नो लोंगर वर्क हेयर इको मीनिंग है सेम उदे वाली लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर या फिर लूसी नो लोंगर वर्क हेयर इको ही मीनिंग है मतलब ज़्यादातर तो यूज़ नहीं होंगे ये सिर्फ अपन नॉलेज होनी चाहिए है ना जेकर नॉलेज नहीं हैगी ग्रैमर की है ना तो फिर आप की करांगे वी डू नॉट नॉर्मली यूज नो मोर इन दिस वे हाँ एक गल होर है आप इतने नो लोंगर कहांगे नो मोर नहीं कर सकते ठीक है ना जिहड़ा नो लोंगर जिहड़ा इन्हां दोनों रिप्रजेंट करूगा नॉट एनी मोर की जगह पर भी नो लोंगर कह सकते हैं नॉट एनी लोंगर की जगह पर भी नो लोंगर कह सकते हैं ठीक है बट आप नो मोर नहीं कह सकते इस तरह नहीं है कि आपने नो लगा के बेशक नो मोर कह दो बेशक नो लोंगर कह दो हालांकि नो मोर स्पीकिंग दे विच कहा जाता है ठीक है बट नो मोर तो नो लोंगर ज़्यादा वह है ठीक है तो इतने तुम्हें ये गल बस याद रखनी है आ सारा समझ गए सी बिल्कुल ईजी है तो आप इन्हों की जगह पर नॉट एनी मोर तो नॉट एनी लोंगर की जगह पर नो लोंगर भी आप कला कह सकते हैं जो आप नो लोंगर कहे तो उसका नो लोंगर का जो यूज़ है वह मेन वर्ब तो पहला करना है बाकी सारा कुछ उत्थ ही पैर होगा जिस तरह एग्जाम्पल हो गई अपने को लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर तो आप कह देंगे लूसी नो लोंगर वर्क हेयर क्लीयर है ना अगला हूँ आ जाओ कंपेयर हूँ कंपेयर करते आप कंपेयर किसका करते हैं स्टिल दा अते नॉट एनी मोर या फिर नॉट एनी लोंगर दा हुण इन्हां दा तुहानूं पता ही है बिल्कुल ईजी है स्टिल दा मतलब हुंदा कोई चीज़ कोई सिचुएशन कॉन्टीन्यू रहनी कोई एक्शन कॉन्टीन्यू रहना और नॉट एनी मोर दा हुंदा चेंज हो जाना जिस तरह देखो यह सेंटेंस है अपने कोल पूरा देखो सेंटेंस दे दो पार्ट ने एक तो पहला हो गया इत्थे तक उहदा दूसरा हो गया पहले दे विच की कह रहा है शैली स्टिल वर्क्स हेयर तो इहदा मतलब हो गया शैली इत्थे आपां स्टिल दा यूज़ करिया शैली स्टिल वर्कस हेयर जिहड़ा शैली है वह हले भी इत्थे कम करता है मतलब कि कॉन्टीन्यू हो गया एक्शन तो स्टिल यूज होया अगले दे विच देख बट जिहड़ी लूसी है लूसी डज नॉट इत्थे नॉट आ गया वर्क हेयर एनी मोर एंड ते आ गया जिस तरह मैं तुहानू कहा सी एनी मोर एंड ते यूज करना है इत्थे डज नॉट नॉट आ गया मतलब कि नॉट एनी मोर दा आपां यूज कर लिया तो इत्थे सिचुएशन देखो चेंज हो गई इहदे विच तां स्टिल आ गया सिचुएशन जिहड़ा कोई एक्शन है वो कॉन्टीन्यू है शैली स्टिल वर्क्स हेयर शैली हजे भी इत्थे कम करदा है कॉन्टीन्यू चल रहा है बट इस दे विच बट लूसी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर पर लूसी इत्थे हुण कम नहीं करदी मतलब कि हुण देखो सिचुएशन चेंज होगी भी पहला कम करदी सी हुण उत्थे कम हो नहीं करदी ए दो चीज़ां तुसीं ने याद रखनियां ने ए ते बी बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है जेकर तुसीं इस नूं बनाउणा चाहो कन्फ्यूजिंग बट है बिल्कुल सिंपल आई होप कि ए दो जिहड़े तुसीं ने पार्ट समझ गए है ना स्टिल अते एनी मोर वाला हुण आ जाओ ए ते सी थर्ड ते आपां येट दी गल करदे आं थर्ड दे विच ठीक है येट भी बिल्कुल सिंपल है सब तो पहला पढ़ो वी यूज येट असी येट दा यूज करदे आं मेनली इन नैगेटिव सेंटेंस एंड इंटैरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस मेन चीज़ तो याद रखनी है येट दा आपां यूज करदे आं नैगेटिव सेंटेंस अते इंटैरोगेटिव सेंटेंस दे विच ओके और अगली गल जिहड़ा येट दा यूज़ है किसी सेंटेंस दे विच आपां बिल्कुल एंड ते करदे आं येट का जो यूज़ है अपना सेंटेंस दे एंड ते करते हैं चलो एक गल हो ये समझ आ गई सारी नैगेटिव ते इंटैरोगेटिव दे विच यूज़ करना येट का और सेंटेंस दे एंड ते येट का यूज़ होंदा अगली गल देखो कि इन्होंने देखो इतने की लिखा है येट मतलब कि अंटिल नाओ येट का मतलब होंदा अंटिल नाओ हुण तक ठीक है जिहड़ा येट है येट शोज दैट जिहड़ा येट है जो आप येट का यूज़ करते हैं येट की शो करते अपन सेंटेंस दे विच की सेंस जो निकल के आती है येट शोज दैट द स्पीकर एक्सपैक्टस समथिंग टू हैपन भी येट है जिहड़ा वो की शो करता है भी जो स्पीकर है वह एक्सपैक्ट एक्सपैक्ट होंगे उम्मीद होनी एक्सपैक्टस समथिंग टू हैपन भी किसी घटना के होने की एक्सपैक्ट करता है ठीक है येट का मतलब यह होंगे बट वो घटना नहीं हुई होंगी मान लो नैगेटिव है चलो ये तुसी ना ये एग्जाम्पल के बहुत वधिया समझोगे ठीक है बिल्कुल सिंपल जी गल है नैगेटिव अते इंटैरोगेटिव दे विच हुंदा ना मैं एक बार लाइन पढ़ दो येट शोज दैट द स्पीकर एक्सपैक्ट समथिंग टू हैपन येट है जिहड़ा यह शो करता है भी एक सेंटेंस दे विच जिहड़ा स्पीकर है सॉरी जिहड़ा स्पीकर है वह एक्सपैक्ट करता उम्मीद करता किसी काम के होने की किस तरह उम्मीद करता जिस तरह मान लो देखो ये फस्ट सेंटेंस है नैगेटिव है देखो इट्स 10 o'clock कहिंदा 10 बज गए इट्स 10 o'clock 10 बज गए एंड ही इज नॉट हेयर येट तो हले तक इत्थे नहीं हैगा जां फिर कह लो हले तक इत्थे नहीं आएगा भी हले तक वो इत्थे नहीं आया ये की कह रहा है दोबारा देखो कहिंदा 10 बज गए
एंड ही इज नॉट हेयर येट, तो वह हाले तक इतने नहीं आया, जा फिर वह हाले तक इतने नहीं है, मतलब कि स्पीकर जो एक्सपैक्ट कर रहा है समथिंग टू हैपन, समथिंग टू हैपन कि चीज़ का वो एक्सपैक्ट कर रहा है भी उसको इतने होना चाहिए सी 10 बजे तक, भी 10 बज गए 10 बजे तक उसको इतने होना चाहिए सी, बट की आ ही इज़ नॉट हेयर येट, पर हाले तक वो इतने नहीं है, तो इस चीज़ के लिए इस सिचुएशन के लिए इसको यूज़ करीद। अगला देखो, अगला सेंटेंस, हैव यू डिसाइडड वट टू डू येट, कहना की तुसी ने डिसाइड कर लिया कि की करना है, भी हुण तक तुसी ने डिसाइड कर लिया भी की करना है, मतलब कि जेड़ा बंदा पूछ रहा है ना किसी तो, आप मान लो किसी तो पूछ रहे हैं भी हाँ भाई तू डिसाइड कर लिया की करना है, भी हुण तक तेरा डिसाइड हो गया, इहदा मतलब आप उस तो यह एक्सपैक्ट कर रहे हाँ भी उसने डिसाइड कर लिया होगा, आप मतलब कि स्पीकर एक्सपैक्टस एक्सपैक्टस समथिंग टू हैपन, भी हुण तक उसने कर लिया होगा डिसाइड, तो यह चीज़ आप पूछ रहे हाँ, हैव यू डिसाइडड वट टू डू येट, भी हुण तक तो डिसाइड कर लिया, हुण तक तो इंटैरोगेटिव है, येट देखो एंड ते आ गया। एक एग्जाम्पल होर देखो, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेनिंग येट, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेनिंग येट, हाले तक बरखा पैनी मतलब के स्टॉप नहीं हुई, भी हाले तक जी बरखा वो खत्म नहीं हुई, बरखा नहीं रुकी, इहदा मतलब आप एक्सपैक्ट कर रहे सी कि जी बरखा उस रुक जानी चाहिए सी, आप एक्सपैक्ट कर रहे सी रुक जानी चाहिए सी, इसलिए आप कह रहे हैं भी यार हाले तक बरखा रुकी नहीं, मतलब कि आपां नूं उम्मीद सी कि बरखा रुक जानी चाहिए सी, बट हाले तक रुकी नहीं, तां करके आप इत्थे येट का यूज़ किया, भी हाले तक रुकी नहीं, ठीक है, तां कर इट हैज़ नॉट स्टॉप रेनिंग येट, ओके येट आप उदों यूज़ करते हैं। अगली गल एक होर, वी ऑफन यूज़ येट विद द प्रेजेंट परफेक्ट, अक्सर जो आप येट का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के अक्सर वो जो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, मतलब कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्सर, क्योंकि कई बार सिंपल सेंटेंस भी होंगे सीधा इज ए मार, जिस तरह ये ही इज़ नॉट हेयर येट, इस सीधा सिंपल इज ए मार सीगा, कोई काम नहीं हो रहा सी, इज ए मार वॉज वर्ब भी हो सकता, ठीक है, बट अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट जरा टेंस है वो आप बनाने जो येट का यूज़ करते हैं। अगला कंपेयर, हुण कंपेयर करो येट अते स्टिल नू, देखो येट अते स्टिल, स्टिल दा मीनिंग तुहानू पता है कोई सिचुएशन कंटिन्यू होनी, ठीक है, और येट दा पता है तुहानू नैगेटिव अते इंटैरोगेटिव दे विच यूज़ करदे आ, जे इन्ना भी याद रखनो फिर भी वाधू है। हुण इहनां दा कंपेयर देखो, येट अते स्टिल दा एक ही सेंटेंस है, दो सेंटेंस ने, मीनिंग एक ही है दोने सेंटेंसिस दा, बट येट अते स्टिल नाल देखो किस तरह बनता है। आपां पहले सेंटेंस च कहने आ इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट इज़ स्टिल रेनिंग, आप स्टिल का यूज़ किया, तो यह मतलब की हो गया भी जी एक्शन है जो कॉन्टीन्यू चल रहा है, इट इज़ स्टिल रेनिंग, हले भी बरखा हो रही है, मतलब बरखा अपने सामने पै रही है, आप कहने हले भी बरखा हो रही है, ओके। अगले सेंटेंस के आप कहने इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेनिंग जैट, हले तक बरखा खत्म नहीं हुई, देखो मीनिंग तो दोनों का एक ही है, मान लो अपने सामने बाहर बरखा हो रही है, बेशक आप ये कह दिए भी हले भी बरखा हो रही है, बेशक आप ये कह दिए हले तक बरखा बंद नहीं हुई, गलबात तो एक ही है ना, बस फर्क सिर्फ की पै गया, इतने आप दिखाता भी कोई एक्शन स्टिल भी कोई एक्शन कॉन्टीन्यू हजे चल रहा है, इतने आप दिखाता भी कोई जो एक्शन है वह हले तक की होया बंद नहीं होया, इतने नैगेटिव आ गया, ठीक है, इतने आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाया स्टॉप ट्रेनिंग येट, भी हले तक बरखा बंद नहीं हुई, मीनिंग एक ही है, ओके okay, तो इस तरह तुसी ध्यान रखना जो आप बनाने ने। अगला देखो, स्टिल इज ऑलसो पॉसीबल इन नैगेटिव सेंटेंसिस, ध्यान ना माड़ा जहाँ समझना है, सिर्फ दो लाइना ने ईजली समझोगे, लिखा की है जोड़ा स्टिल है, जोड़ा स्टिल है, स्टिल इतने की कहते हैं, स्टिल इज ऑलसो पॉसीबल इन नैगेटिव सेंटेंसिस, नैगेटिव सेंटेंस के वैसे तो मैं तुम्हें दसिया नैगेटिव सेंटेंस येट अते अपना क्वेश्चनिंग दे विच इंटैरोगेटिव दे विच येट यूज़ हुंदा है, नैगेटिव अते क्वेश्चनिंग दे विच, बट जिहड़ा स्टिल है, स्टिल भी पॉसीबल है नैगेटिव सेंटेंस दे विच, किस तरह पॉसीबल है देखो, बिफोर द नैगेटिव, बट जदों आपां स्टिल यूज़ करांगे नैगेटिव सेंटेंस दे विच तां आपां उस नूं बिफोर नैगेटिव यूज़ करांगे, मतलब नॉट तो पहला स्टिल का यूज़ होएगा, इत्थे तां जदों येट का यूज़ करदे आं तां नॉट देखो पहला आउंदा है, इट हैज़ नॉट, इत्थे नॉट आ गया, फिर स्टॉप्ड रेनिंग येट, येट एंड दे यूज़ होया, बट जेकर आपां नैगेटिव सेंटेंस दे विच स्टिल दा यूज़ करदे आं तां जिहड़ा स्टिल है वो नैगेटिव तो पहला यूज़ होएगा, जिस तरह इत्थे हैज़ नॉट है तो हैज़ नॉट तो पहला स्टिल आऊगा, इट स्टिल हैज़ नॉट, मीनिंग सेम होगा, जिस तरह देखो एग्जाम्पल देखो, मीनिंग बिल्कुल सेम होगा,
शी सैड, ठीक है, शी सैड उसने कहा शी वुड बी हेयर एन अर अगो, उसने कहा भी एक घंटा पहला वो इत्थे मतलब आजूगी होगी। एंड शी स्टिल हैज़ नॉट कम, तो हाले तक नहीं आई। हुण देखो दोनों सेंटेंस देखो, एक तो आ वाला देखो, ठीक है, एक आ वाला देखो, दोनों का मीनिंग देखो बिल्कुल सेम है। देखो जेकर आप सेंटेंस कहने शी स्टिल हैज़ नॉट, देखो नैगेटिव तो पहला स्टिल आया, शी स्टिल हैज़ नॉट कम, वो हाले तक नहीं आई, और इत्थे शी हैज़ नॉट कम येट, इहदा मतलब भी वो हाले तक नहीं आई। दोवां दा मतलब सेम है, तो फिर दोवां दे विच फर्क की है? फर्क ये है सिर्फ जेकर आप स्टिल दे नाल यूज करते हैं तो स्टिल दे नाल थोड़ा जिहा आप ज़्यादा जोर दे के कह रहे हैं, और येट दे नाल आपां नॉर्मल कह रहे हैं। देखो मान लो आप येट नाल कही, आप कहीए शी हैज़ नॉट कम येट, आप सिंपल कह रहे हैं भी हाले तक वो आई नहीं। मान लो अपने तो कोई पुछद है भी रैचल आ गई, फलाना बंदा कोई आ गया, आप सिंपल कहने शी हैज़ नॉट कम येट, नहीं वो हाले तक आई नहीं, सिंपल चीज़ होगी। जेकर आप इस तरह कहने शी स्टिल हैज़ नॉट कम, तो इतने आप कह रहे हैं वह हले तक नहीं आई, मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं भी यार बहुत लेट हो गया, हुण तक तो आ जाना चाहिए सी, यार हाले तक नहीं आई वह, मतलब इतने आप थोड़ा ज़्यादा जोर दे के कह रहे हैं। जेकर आप स्टिल नाल कहांगे, जेकर आप येट नाल कहांगे, उत्थे आप नॉर्मल दस रहे हैं भी हाले तक भाई आई नहीं, स्टिल नाल भी यार हाले तक नहीं आई भी मतलब कि लेट होगी बहुत ज़्यादा। दोवां दे विच डिफरेंस पता चल गया, ईजी है। अगे आ जाओ ऑलरेडी, लास्ट डी ऑलरेडी, ऑलरेडी तो बिल्कुल सिंपल है, तुहानू पता है ऑलरेडी आप कदों यूज़ करते हैं, है ना, फिर भी देखो एक बार पढ़ लो। वी यूज़ ऑलरेडी टू से, असी ऑलरेडी कहने ऑलरेडी यूज़ करते हैं की गल कहने लई, दैट समथिंग हैपनड सूनर दैन एक्सपैक्टड, भी जिन्ना आपने एक्सपैक्ट किया किसी काम के होने बारे, ठीक है, वह उस तो पहला हो गया ऑलरेडी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह देखो वट टाइम इज स्वे लीविंग, आप किसी तो पूछ रहे अपने दोस्त तो, अपनी मान लो एक दोस्त है स्वे, उसने मान लो जाना सी कि, आप अपने किसी दोस्त तो पूछ रहे हैं भी यार जी स्वे है किन्ने बजे जाऊगी, तो अपना दोस्त कहता है शी हैज़ ऑलरेडी लैफ्ट, भी वो तो ऑलरेडी चली गई, मतलब कि आपने जिन्ना एक्सपैक्ट किया आप एक्सपैक्ट कर रहे भी हाले वो गई नहीं, आप पूछ रहे हैं भी किन्ने बजे जाऊ, तो अपना दोस्त कहता वो तो यार ऑलरेडी चली गई, मतलब कि सूनर चली गई, मतलब कि समथिंग हैपनड सूनर दैन एक्सपैक्टड, भी आपने एक्सपैक्ट जिन्ना किया उस तो पहला कोई काम हो गया। अगली गल ऑलरेडी यूजुअली गोज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, मिडल ऑफ अ सेंटेंस मतलब कि मेन वर्ब तो पहला यूज़ होंगे, जेकर ऑलरेडी आप यूज़ करते हैं सेंटेंस के मेन वर्ब तो पहला हैल्पिंग वर्ब तो बाद, बिल्कुल सिंपल है। आई होप के हो गया, मैनू तो लगता सी कि थोड़ा पजल भी हो सकते हैं, बट होपफुली मैं तो देखो कला कला समझाने की बहुत कोशिश की है। तुसी एक काम जरूर करना है, जिहड़ा ये आप समझाया ये पार्ट रूल्स वाला स्पैशली इन दो बार जरूर सुनना है, जेकर तुसी कितने कन्फ्यूज़ होने हो, और कॉपी के उपर जरूर लिखा करो, ठीक है। जेकर तुहाडे ये चारों समझ आ गए कित्थे कित्थे किवें किवें यूज़ करना है, तो जिहड़ियां एक्सरसाइज़ ने तुहानू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुसी मेरे किराए तो बिना ही तुसी खुद ब खुद तुसी कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे रूल्स अपनी नोटबुक के उपर तुसी ने चंगी तरह लिख के रखने ने, और जिहड़ा कुछ मैं समझाया उसनू चंगी तरह पहला दिमाग के विच समझना है। एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट की जी अपनी एक्सरसाइज है वो देखो आप करते हैं। सब तो पहले आप सैकेंड एक्सरसाइज करा, फस्ट तुम छड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सैकेंड करो। देखो सैकेंड दे विच की करना है, देखो मैं तुम्हें तो एवं समझा दिना, ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके। आपू सत्त सेंटेंस इन्होंने दते ने, यह सत्त सेंटेंस इन्होंने पूरे कंप्लीट बनाए ने, ठीक है, और जोड़े ये सत्त सेंटेंस ने इन्होंने सारे ही सेंटेंस ये स्टिल के नाल बनाए ने, स्टिल यूज़ किया सारिया के इस तरह, देखो सारिया के स्टिल का जोड़ा इन्होंने यूज़ किया। आपने की करना है इधरले सेंटेंस, जिस तरह आ फस्ट सेंटेंस है सैकेंड है, आपने ये सेंटेंस पढ़ना है, इस सेंटेंस का जोड़ा मीनिंग बन गया, ठीक है, सेम उही मीनिंग किसी होर तरीके नाल बने, बेशक मीनिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपने इधर इसकी सेध दे विच एक सेंटेंस होर बनाना है, और जिहड़ा सेंटेंस आप इत्थे बनावांगे उस सेंटेंस का मीनिंग सेम इस सेंटेंस वाला ही होना चाहिए। इस तरह सैकेंड सेंटेंस का जिहड़ा मीनिंग इसका है, इस दे नाल जिहड़ा आप इत्थे बनावांगे उसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम इस सेंटेंस वाला ही होना चाहिए। पहली गल तो समझ आ गई, हुण जदों आपां इह सेंटेंस बनावांगे, ये सेंटेंस आपने बनाने ने नॉट येट दे नाल,
मतलब कि ये जो सेंटेंस आप बनावे ये अपने नॉट येट का यूज़ करना है। येट तो पता ही अपना नैगेटिव के यूज़ करते हैं ज इंटैरोगेटिव के सारे नैगेटिव बन गए और येट आप पता एंड ते यूज़ होंगे और नैगेटिव नॉट है जो मेन वर्ब तो पहला यूज़ करते हैं। हुण जिहड़े ये सारे सेंटेंस आप बनावे इन्हां विच जिहड़ी अपने वर्ब यूज़ करनी है वह अपने आ इन्हां ने शब्द दिते ने देखो उपर यह सारिया वर्ब्स ने इन्हां दे विचों आपां वर्ब लैके आउणियां ने। मान लो आपां आ सेंटेंस पढ़िया इस सेंटेंस का जो मीनिंग बन गया आपने इधर भी नॉट येट के ना सेम मीनिंग बनाना और वह सेम मीनिंग बनाने के लिए आपूरों इन्हों कोई ना कोई वर्ब है जी लेनी पेगी वो अपन सेंस के मुताबिक समझ आऊगी। देखो जो आप बनावे होर ज़्यादा समझ आऊगा। जिस तरह देखो फस्ट है ये अपन फस्ट के कह रहे ने इट्स मतलब कि इट इज़ स्टिल रेनिंग यदा मतलब की होया इट इज़ स्टिल रेनिंग हाले भी बरखा हो रही है मतलब जी बरखा है स्टिल कॉन्टीन्यूज हो ही जा रही है। हुण इधर आपने जिहड़ा आप बनावे येट के नाल नॉट येट के नाल उसका मीनिंग भी सेम ये वाला होना चाहिए। हुण इट तो आ गया इट के नाल एक गल होर तुहानू पता है जदों आप येट के नाल बनाउने आ मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाउने आ ठीक है जिहड़ा आप टेंस बनावे स्ट्रक्चर जो अपना आ रहेगा जो आप उधर बनावे सब तो पहला सबजैक्ट इन्होंने लगा के ही दिते गए उस तो बाद सबजैक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ नॉट या हैव नॉट का यूज़ करा उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जी आप इन्होंने लैके आवेंगे इन्होंने अकॉर्डिंग टू सेंस उस तो बाद अगे जो अपना रह गया अगे इधर जो लगे हुआ वो आप अगे लगा देवे ऑब्जेक्ट सब तो पहला देखो सबजैक्ट तो इट आ गया इतने इट के नाल की लगेगा हैज़ क्योंकि नैगेटिव बनूगा तो हैज़ नॉट तो आप लगावे ही लगावे इट हैज़ नॉट। हुण उपरों वर्ब देखनी है कि लगू हुण मन लो आप डिसाइड लिया है आप कहता इट हैज़ नॉट डिसाइडड येट देखो इधर तो मीनिंग बन गया हले भी बरखा हो रही है इट इज़ स्टिल रेनिंग हले भी बरखा हो रही है उधर मीनिंग बन जूगा हजे डिसाइड नहीं करिया तो यह सेम मीनिंग तो बनया नहीं ठीक है ना। हुण जेकर उत्थों आप उपरों लैके आवेंगे स्टॉप उरे लगावे इट हैज़ नॉट थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड भी हले बंद नहीं हुई की नहीं हुई रेनिंग उरे आप लगावे रेनिंग और येट है जरा एंड ते आता येट देखो हूँ उसका मीनिंग की बन गया इट इज़ स्टिल रेनिंग हले भी बरखा हो रही है उधर बन गया इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेनिंग येट हले बरखा बंद नहीं हुई देखो मीनिंग बिल्कुल सेम बन गया हले बरखा बंद नहीं हुई या फिर हले भी बरखा हो रही है मीनिंग एक ही है। जेकर आप भी कहे हले बरखा बंद नहीं हुई यद मतलब बरखा हो रही है जे ये कहे इट इज़ स्टिल रेनिंग हले बरखा हो रही है दोवे का मीनिंग एक है ना इस तरह बनाने ने। सैकेंड देखो गैरी इज स्टिल हेयर गैरी हले भी इतने है हूँ आप इधर आ गया ही दे नाल ऑब्वियस हैज़ लगेगा है ना तो हैज़ नॉट ही हैज़ नॉट हूँ वर्ब है जेकर मान लो वर्ब आप इतने लिख देंगे फिनिश आप फिनिश ले गए तो मीनिंग की बन जूगा यह बन गया गैरी हले भी इतने है तो उधर बन जूगा ही हैज़ नॉट फिनिश्ड वह हजे खत्म नहीं होया तो ये तो कोई उसका संबंध नहीं है। कोई भी फॉर्म लै लो सारिया रोंग हो सिर्फ एक ही राइट हो जेकर लौंगे गो जेकर गो लवेंगे तो बन जू ही हैज़ नॉट गॉन ही हैज़ नॉट गॉन वह हले गया नहीं एंड ते जेट आऊ क्योंकि इतने हेयर है तो हेयर तो उत्थे लगेगा नहीं ही हैज़ नॉट गॉन येट हुण इसका मीनिंग की बन गया ही हैज़ नॉट गॉन येट वह हले नहीं गया इधर आप की कहा गैरी इज स्टिल हेयर गैरी हले इत्थे ही है वह हले नहीं गया दोवां दा मीनिंग सेम है बेशक ये कह लो भी वह हले गया नहीं यदा मतलब ओबियस हजे नहीं गया तो इत्थे ही है बेशक सीधा कह लो वह हले इत्थे ही है ना। इस तरह अगला देखो दे आर स्टिल रिपेयरिंग द रोड वह हले भी रोड रिपेयर कर रहे हैं अगे आ गया दे नाल हैव नॉट तां लगाई दो दे हैवंट हुण आपां इहो जी कि वर्ब की फॉर्म लेके आईए भी इन्हां नाल सेम मीनिंग बन जाए ये कहिंदे ने भी वह हले भी रोड नूं रिपेयर कर रहे ने तो उत्थे आपां कहांगे दे हैव नॉट इहदा मतलब जे लैके आओ फिनिश दे हैव नॉट फिनिश्ड उन्हां ने हजे फिनिश्ड नहीं किया की नहीं किया रिपेयरिंग द रोड आपां लिख सकते हैं सारा दे हैव नॉट फिनिश्ड रिपेयरिंग द रोड ए स्पेस घट है मैं बोल रहा तुसी लिख लो ठीक है दे हैव नॉट फिनिश्ड रिपेयरिंग द रोड और एंड ते येट
ये तुसीं लगा देना, ठीक है, स्पेस घट है, मैं इत्थे सीधा इस तरह मतलब बोल के दसता। हुण देखो जेकर आपां इह कहने आ दे आर स्टिल रिपेयरिंग द रोड, वह हाले भी रोड रिपेयर कर रहे ने, ठीक है, आपां नूं समझ आ गई भी हाले रोड रिपेयर कर रहे ने। जेकर उहदी जगह ते आपां इह कह दईए दे हैव नॉट फिनिश्ड रिपेयरिंग द रोड येट, उन्हां ने हजे जिहड़ी रोड की रिपेयरिंग है वह फिनिश नहीं की। दोवां दा मीनिंग देखो सेम बन गया। ओके अगला देखो द चिल्ड्रन आर स्टिल असलीप, जिहड़े बच्चे ने वह हाले भी सुते पए ने, तां इहदा मतलब हाले उठे नहीं हैगे, इहदा मतलब है ना हाले भी सुते पए ने, तां दे दे नाल तां हैव ही आएगा। They have not तो उपरों वर्ब की फॉर्म कि आएगी, ओबियस है wake up होंगे उठना, यदा मतलब आप कहे भी बच्चे हले भी सुते पे ने, वो हले तक उठे नहीं है, तो आप कहे दे हैव नॉट वेक द थर्ड फॉर्म वॉकन अप येट, दे हैव नॉट वॉकन अप येट, वो हले नहीं उठे है ना, ओबियस है, एको गलबात है। पंजवा केट इज स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, जी केट है वो हले भी की कर रही है, जॉब लभ रही है, यदा मतलब हजे उसनों जॉब मिली नहीं, तो आप कहे शी हैज़ नॉट, तो शी हैज़ नॉट वो हजे जॉब लभ रही है, यदा मतलब हजे उसनों जॉब की नहीं हुई, ठीक है, मिली नहीं, फाइंड उसनों लभी नहीं हैगी, तो यदा मतलब शी हैज़ नॉट फाउंड, शी हैज़ नॉट फाउंड अ जॉब, ठीक है, अ जॉब जेट, देखो शी हैज़ नॉट फाउंड अ जॉब जेट, हाले तक उसको जॉब मिली नहीं, जेकर मिली नहीं तो यहाँ मतलब हजे भी लभ रही है, ईजी है। छेवां आई एम स्टिल वंडरिंग वट टू डू, कहना मैं हले भी सोच रहा हाँ, मैं हजे भी हैरान हाँ कि वट टू डू के की किया जाए, मतलब कि हले तक जो आप गल कहने कि मैं स्टिल वंडर हाँ है ना कि वट टू डू की किया जाए, यदा मतलब हजे उसने डिसाइड नहीं किया, यदा मतलब ये कह रहा आई हैव नॉट डिसाइडड आएगा, उपरों डिसाइड वर्ब की फॉर्म आएगी, क्योंकि कहना मैं वंडर के वट टू डू की किया जाए, यदा मतलब उसने डिसाइड नहीं किया, उसने आई हैव नॉट डिसाइडड, ठीक है, बेशक ये लिख दो वट टू डू येट, ठीक है, बेशक ये लिख दो आई हैव नॉट डिसाइडड, ठीक है, येट, वैसे तुसी ये लिख दो वट टू डू येट, ये गल भी बनती है वट टू डू येट, आई हैव नॉट डिसाइडड वट टू डू येट, ठीक है। सतवां द प्लेन इज स्टिल वेटिंग ऑन द रनवे, जिहड़ा प्लेन है हले भी रनवे ते वेट कर रहा है, इहदा मतलब उसने टेक ऑफ नहीं किया, इहदा मतलब आप कहेंगे इट दे नाल हैज़, इट हैज़ नॉट टेकन, टेक दी थर्ड फॉर्म, टेकन ऑफ येट, इट हैज़ नॉट टेकन ऑफ येट, इसने हजे टेक ऑफ नहीं किया, बिल्कुल ईजी है, आराम दे नाल बना लोंगे। सो ऐसी अपनी इस यूनिट की जी अपनी एक्सरसाइज है सैकेंड, एंड हुण अपनी इस यूनिट की लास्ट जी अपनी एक्सरसाइज है देखो वो आप करते हैं, उस दे विच आपने की करना है, अपने कोल देखो 16 जिहड़े सेंटेंस ने, हर एक सेंटेंस दे विच आपां जो खाली जगह देखो ब्लैंक आपां नूं छड्डी गई है, आपां ने करना की है देखो पुट इन स्टिल येट ऑलरेडी एनी मोर, आपने ये चार अपने कोल ऑप्शन ने है ना, स्टिल येट ऑलरेडी एनी मोर, आपने सेंटेंस की सेंस के मुताबिक देखना है कि किहड़े सेंटेंस दे विच इन चारों विचों किहड़ा आएगा, किसी दे विच स्टिल आएगा, किसी दे विच येट, किसी दे विच ऑलरेडी, किसी दे विच एनी मोर, वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग, तुहानू पता है सारयां दा स्टिल का यूज़ जदों कोई सिचुएशन कॉन्टीन्यू होवे है ना, या फिर इन स्पाइट ऑफ दिस जिहड़ा मैं तुहानू समझाया सी, येट दा आपां यूज़ करदे आ नैगेटिव या इंटैरोगेटिव दे विच हुण तक, मतलब तुहानू पता है भी येट दा यूज़ आपां कदों करदे आ, ओह तुसीं रूल्स ने जिहड़े ओह सारे समझे ने जेकर तुहानू पता है। एनी मोर दा मतलब जदों कोई सिचुएशन है ना चेंज हो गई होवे, पहलां होर सी हुण होर है, ऑलरेडी जदों कोई काम पहलां तो ही हो गया होवे है ना, भी आपां ने जिन्ना आपां एक्सपैक्ट करदे आ उस तो पहलां ही कोई चीज़ होण दी आपां गल करिए तां उदों ऑलरेडी, सारयां दा पता है। देखो आपां फस्ट दा स्टार्ट करदे आ, फस्ट देखो सेंटेंस दे विच कह रहा है माइक लॉस्ट हिज जॉब अ ईयर अगो, जिहड़ा माइक है एक साल पहलां उसकी जॉब है जिहड़ी वह चली गई सी, एंड ही इज़ अनएम्पलॉयड, अनएम्पलॉयड है, देखो यदा मतलब की होया, मतलब ही इज़ अनएम्पलॉयड है, कहने का मतलब भी हले भी वह अनएम्पलॉयड है, तो यह कह रहे हैं भी माइक की जी जॉब है एक साल पहला चली गई सी, तो हले भी वह अनएम्पलॉयड है, हले भी मतलब कि उसका जो अनएम्पलॉयड रहने की सिचुएशन है कॉन्टीन्यू चल रही है, मतलब कि स्टिल बिल्कुल ईजी है, भी स्टिल हजे भी वह अनएम्पलॉयड है, स्टिल अनएम्पलॉयड है, समझा गई ना किस तरह। हुण इत्थे ये थोड़ी कहांगे ही इज़ जेट अनएम्पलॉयड, ही इज़ एनी मोर इंपलॉयड, ही इज़ ऑलरेडी
अनइंपलॉयड ऑलरेडी अनइंपलॉयड थोड़ी सी पहला तो जॉब हैगी सी एक साल पहले ही गई है यह सेंस है जी जेकर समझ आ गई ईजली सारे लगाई जाऊंगे देखो सैकेंड शैल आई टैल जो वट हैपनड हूँ एक बंदा किसी सामने वाले पूछ रहा है कहिंदा शैल आई टैल जो वट हैपनड कहिंदा जो कुछ भी होया कि मैं जो नू दसदा उहदे बारे और जा फिर डज ही नो जा फिर वह जानता है देखो इतने एक गल यही आ गई ना भी मैं जो नू सारा कुछ दसदा जा फिर वह जानता है मतलब जा फिर वह ऑलरेडी जानता है भी मैं जो नू जो कुछ घटना होई मैं दसा जा फिर वह पहलां तो ही जानता है ये पूछ रहा है तो बिल्कुल इतने ऑलरेडी आएगा ऑलरेडी मतलब ये पूछ रहा है कि शैल आई टैल जो वट हैपनड भी जो कुछ होया कि मैं जो नू दसदा और जा फिर डज ही ऑलरेडी नो जा फिर वह ऑलरेडी जानता उस चीज़ के बारे थर्ड देखो डू यू डैश लिव देखो इतने तक कुछ नहीं पता चलता जो एंड तक पढ़ोंगे ईजली पता चलेगा देखो डू यू डैश लिव सीधा जहा पढ़ लो डू यू लिव इन द सेम प्लेस कि तुम उस जगह के रहने हो और जा फिर हैव यू मूवड जा फिर तुसीने चेंज करती इहदा मतलब यह होया आपां पुछ रहे हां कि तुसी हले भी उस जगह दे विच रह रहे हो जिथे पहला रहिंदे सी जा फिर चेंज करती मतलब कि हले भी स्टिल भी तुसी ये पुछ रहे है भी तुसी हले भी स्टिल उस जगह दे विच रह रहे हो जा फिर मूव हो गए है ना चौथा आई एम हंगरी कहिंदा मैनू भुख लगी है इज डिनर रेडी येट हुण पुछ रहा है कहिंदा मैनू भुख लगी है इज डिनर रेडी मतलब के इत्थे हैगा येट भी इज डिनर रेडी येट भी हुण तक जिहड़ा डिनर है तैयार हो गया कि नहीं है ना हुण इत्थे ये थोड़ी कहांगे इज डिनर रेडी स्टिल देखो कोई सेंस बनती है इज डिनर रेडी एनी मोर इज डिनर रेडी ऑलरेडी कोई भी गल नहीं बनती येट ही इत्थे परफेक्ट आएगा हुण पंजवां देखो आई वॉज हंगरी देखो इतने की कह रहा सिचुएशन समझो कहिंदा मैनू भुख लगी सी आई वॉज हंगरी अर्लीयर कहिंदा पहला मैनू भुख लगी सी बट परंतु आई डोंट हंगरी डैश पहला भुख लगी सी पर हुण कहिंदा आई डोंट हंगरी हुण मैनू भुख नहीं लगी सिचुएशन हैज़ चेंज्ड सिचुएशन चेंज हो गई तो आप की यूज करते हैं तुहानू पता है एनी मोर तो यह कह रहा पहला मैनू भुख लगी सी बट आई डोंट हंगरी एनी मोर पर हुण मैनू भुख नहीं लगी छेवां कैन वी वेट अ फ्यू मिनट्स कि असी कुछ मिनट तक वेट कर सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट हाले कहना मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ देखो इतने की आएगा येट आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट येट भी हले मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ इतने थोड़ी कहे देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक आएगा हर एक सेंटेंस के उस तो अलावा जेकर दूसरे तुम इतने यूज करके देखोगे अटपटा लगेगा जिस तरह देखो कहना मैं कि असी कुछ समा वेट कर सकते हैं कुछ मिनट आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट स्टिल ठीक है आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट स्टिल स्टिल तो नैगेटिव के यूज़ ही नहीं हुंदा जेकर स्टिल नैगेटिव के यूज़ हुंदा तो नैगेटिव तो पहला यूज़ हुंदा पता है ना जे आप कहांगे आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट ऑलरेडी ये भी बिल्कुल सेंस ही नहीं बनती आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट एनी मोर ठीक है तो वह भी बिल्कुल सेंस नहीं बनती है ना येट ही ठीक आएगा सातवां एमी यूज टू वर्क एट द एयरपोर्ट जी एमी है वह एयरपोर्ट से कम है जी करती सी बट शी डजंट वर्क हेयर डैश देखो पहला एयरपोर्ट से कम करती सी हूँ एयरपोर्ट से कम नहीं करती सी मतलब कि जोड़ा कम है वह की हो गया सिचुएशन हैज़ चेंज्ड उ चीज़ आ गई एनी मोर भी पहला वह कम करती सी बट शी डजंट वर्क हेयर एनी मोर पर हूँ उत्थे कम नहीं करती अठवां आई यूज टू लिव इन अमृतसर कहिंदा ओ सॉरी अमृतसर नहीं आई यूज टू लिव इन बस ए एम देख की थोड़ा जा होर कुछ बोल गया मैं ठीक है अमस्टर्ड अमस्टर्ड ये जगह का नाम है इंग्लिश जगह ठीक है क्योंकि देखो आपां अपने पंजाब नाल ही जुड़े हुए हैं अपने तो अमृतसर जदों भी ए एम देख लें बस अमृतसर का ही निकलता है ना चलो वो माफ़ी चाहते ठीक है अमस्टर्डन अमस्टर्डन किसी जगह का नाम है कहिंदा आई यूज टू लिव इन मैं इस जगह पर अमस्टर्डन की जगह पर कहिंदा मैं रहिंदा हुंदा सी अगे की कह रहा है ना अगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर मेरे उत्थे बहुत सारे फ्रेंड्स ने देखो जेकर इत्थे ये चीज़ कहिंदा भी पहला मैं इत्थे आ जगह पर रहिंदा हुंदा सी बट हुण मैं इस जगह पर नहीं रहिंदा फिर तो एनी मोर आउंदा है ना बट इत्थे कह रहा भी मैं इस जगह पर पहला रहिंदा हुंदा सी आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर भी मेरे हुण भी उत्थे बहुत सारे फ्रेंड्स ने यह गल कह रहा मतलब स्टिल भी रहिंदा हुंदा सी मैं पहला पर स्टिल जिहड़े मेरे उत्थे फ्रेंड्स ने वो हुण भी ने नौवां देयर इज़ नो नीड टू इंट्रोड्यूस मी टू जो कहिंदा जो नू मेरे बारे
इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, वी हैव मैट, असी मिल चुके हैं, मतलब कि बिल्कुल सिंपल है तो ऑलरेडी भी असी ऑलरेडी मिल चुके हैं, फिर ही कहांगे भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। जॉन इज 80 ईयर्स ओल्ड, जिहड़ा जॉन है वह 80 साल का है, बट परंतु ही इज वेरी फिट एंड हैल्थी। इत्थे भी बिल्कुल एक सिंपल जी चीज़ है, ये गल कह रहा है भी जॉन है जिहड़ा 80 साल का है, बट फिर भी वह हले भी है ना, बट ही इज स्टिल वेरी फिट एंड हैल्दी। ग्यारहवां, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कि तुसी कुछ खाना चाहोगे, और जा फिर हैव यू ईटन, भी जा तुसी खा चुके हो ऑलरेडी, भी तुसी कुछ खाना चाहोगे, ये पूछ रहे हैं आप भी तुसी कुछ खाना चाहोगे जा फिर तुसी ऑलरेडी पहला तुसी कुछ खा चुके हो। बारहवां देखो, वेयर्स हैलन, कहिंदा हैलन कित्थे है, ही इज नॉट हेयर डैश, मतलब ये कहना चाह रहे भी हैलन कित्थे है, ओ ही इज नॉट हेयर डैश, भी हल तक इत्थे आई नहीं हो येट, ही इज नॉट हेयर येट, भी हले तक वह आई नहीं हैगी, तो अगला बंदा कहता है शी विल बी हेयर सून, इतने जल्दी ही आजूगी। ठीक है, हुण अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस की कह रहा, मार्क सैड ही वुड बी हेयर एट 8:30, मार्क ने कहा भी इतने 8:30 वह आ जाएगा, इट्स 9:00 नाउ, हुण कहता 9 बज गए, एंड ही इज नॉट हेयर, वह इतने आया नहीं। देखो हुण इतने आप लगावे, हुण इतने देखो एक चीज़ मैं तुहानू दसी सी, जिहड़ा स्टिल का यूज़ है आपां ओह नैगेटिव दे विच भी करदे आ, आपां सॉरी आपां नैगेटिव सेंटेंस दे विच भी करदे आ, नैगेटिव तो पहला, उत्थे फर्क की है, एक तो आपां इत्थे सिंपल कहा शी इज़ नॉट हेयर येट, जो तो आपां येट दे नाल कहने आ शी इज़ नॉट हेयर येट, तो सिंपल उहदा मीनिंग हुंदा भी हाले तक इत्थे आई नहीं। जदों आपां किसी चीज़ नूं जोर दे के कहना होवे, जिस तरह इहदे विच है भी यार मार्क ने कहा सी 8:30 आजू, पर हुण 9 बज गए भी हले तक नहीं आया, तो इत्थे आपां स्टिल का यूज़ करांगे, ही स्टिल इज़ नॉट हेयर, भी हले तक नहीं यार इत्थे आया, है ना, वह वाला कंसैप्ट है। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लब, कहना कि तुसी क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, और जा फिर आर यू अ मैंबर, जा फिर तुसी मैंबर हैगे हो, मतलब जब तुसी पहला तो ही मैंबर हो ऑलरेडी, भी तुसी ज्वाइन करना चाहोगे या फिर तुसी ऑलरेडी ये मैंबर हैगे हो क्लब के। पंद्रहवां, इट हैपनड अ लोंग टाइम अगो, कहना लंबा समा पहला यह घटना जी वापरी सी, बट परंतु आई रिमैंबर इट वेरी क्लीयरली, पर मैनू यह बहुत क्लीयरली याद है, मतलब कि जी घटना है बहुत लंबा समा पहला वापरी सी, पर मैं हले भी बहुत क्लीयरली याद है, आई स्टिल रिमैंबर इट क्लीयरली। सोलहवां, आई हैव पुट ऑन वेट, कहना मैं वजन जिहड़ा वधा हो वधाया वधा लिया, दीज ट्राउजरस डोंट फिट मी डैश, देखो ये कहना मैं जिहड़ा वजन है, कहना जिहड़ा मेरा वजन वध गया, जिहड़े ये ट्राउजरस ने ओह मैनू की नहीं फिट नहीं आउंदे, मतलब पहला फिट आउंदे सी हुण फिट नहीं आउंदे सी, उही सिचुएशन हैज़ चेंज्ड एनी मोर, भी हुण मैनू जिहड़े ये ट्राउजरस ने ओह फिट नहीं आते। देखो किसी भी सेंटेंस दे विच कोई भी अजिही दुविधा वाली गल नहीं हैगी, हर एक सेंटेंस जदों पढ़दे आ ऑटोमैटिकली दिमाग के अपने आप आ जाता भी हाँ इतने येट आएगा, स्टिल आएगा, ऑलरेडी आएगा, एनी मोर आएगा, है ना। सो ऐसी देखो अपनी यूनिट है जी 111, आई होप के तुम समझ आई होगी, रूल्स ने जोड़े एक बार दोबारा तुम पढ़ो दोबारा सुनियो तो सारी चीज़ा क्लीयर हो जाएगी, कोई भी ये एड्डी कोई खास गल नहीं हैगी। ठीक है, बाकी उही गल सेम अगे शेयर है ना, बार बार कहने की जरूरत ना पवे, सारे तक शेयर कर दो, और जेकर चैनल उपर नवे हो तुम तो चैनल में सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्यो। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत, थैंक यू सो मच।